फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हिट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद, 81428-77400। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामा राव ने कहा है कि तेलंगाना में सरमायाकारी के वसी मौके हैं। उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता 9 सालों में रियासत ने हैरतअंगेज तरक्की की है। उन्होंने कहा है कि दीगर रियासतें तेलंगाना में नाफिस स्कीमात की नकल कर रही। वजीर मौसूफ ने रियासती वज़रा निरंजन रेड्डी और टी श्रीनिवास यादव के साथ हैदराबाद HICC में फूड कॉन्क्लेव 2023 की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत में 5 इनकलाब आए हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हिंदुस्तान में चावल के मरकज के तौर पर तरक्की कर रहा है। तेलंगाना हिंदुस्तान की पोल्ट्री का दारुल हुकूमत बन गया। हुकूमत बागवानी और डेयरी के शोबों को फरोग दे रही। रियासत में एक ज़रई यूनिवर्सिटी, एक हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी और एक वेटनरी यूनिवर्सिटी कायम की गई है। तेलंगाना हुकूमत पिछले 5 सालों से बड़े पैमाने पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को फरोग दे रहा। मुल्क और बैरून मुल्क के सनअतकार इस शोबे में सरमायाकारी कर रहे। तेलंगाना हुकूमत देही इलाकों में बड़े पैमाने पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स कायम करने के लिए मसाई कर रही। हैदराबाद में अमरीकी कौंसल खाने ने ऐलान किया है कि इसने इस हफ्ते के दौरान सिर्फ 2 दिनों में रिकॉर्ड तादाद में वीजों की प्रोसेसिंग की है। कौंसल खाने के मुताबिक सिर्फ पीर और मंगल को 4,440 से ज्यादा वीजों की प्रोसेसिंग की गई, जिनमें से ज्यादातर सियाहत और स्टूडेंट वीजे शामिल थे। कौंसल खाने ने अपने एक बयान में कहा है कि नई इमारत में मुंतकिल होने के बाद से 2 दिन में ये सबसे बड़ी प्रोसेसिंग है और ये मजीद अपॉइंटमेंट फराहम करने के लिए वसीतर कोशिश का हिस्सा है। यहाँ इस बात का तस्करा जरूरी है कि बहुत से तलबा ने हाल ही में अमरीकी कौंसल खाने को नई इमारत में मुंतकिल करने के बाद अपनी तालीम और अमरीका के सफर के मनसूबे रोक दिए हैं। ताहम बहुत सी एजेंसियों की तवक्को के मुताबिक हैदराबाद में अमरीकी कौंसल खाना ज्यादा से ज्यादा दरख्वास्त दहिंदगान को वीजा खिदमात फराहम करने के लिए काम कर रहा। सिर्फ 2 दिनों में वीजों की रिकॉर्ड तादाद में प्रोसेसिंग तलबा और सयाहों के लिए एक मुस्बित अलामत के तौर पर देखा जा रहा, जो अमरीका के सफर करने का इंतजार कर रहे। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाली ख्वातीन पहलवानों से मुलाकात की और उन्हें इंसाफ देने के लिए सबसे पहले रेसलिंग फेडरेशन के सदर ब्रजभूषण सिंह को ओहदे से हटाने का मुतालबा किया। ख्वातीन खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद वाड्रा ने नामा निगारों से कहा कि पूरा मुल्क धरना दे रहा, खिलाड़ियों के साथ यकजहती के साथ खड़ा है और वो खुद इंसाफ की इस लड़ाई में पूरी तरह उन ख्वातीन खिलाड़ियों के साथ हैं जिन्होंने मुल्क का सर फखर से बुलंद किया। उन्होंने कहा कि जब मुल्क की ये बेटियां मेडल जीत कर आती हैं तो हम सबको फख्र होता है, लेकिन आज वही बेटियां सड़क पर बैठी इंसाफ मांग रही हैं तो कोई सुनने को तैयार नहीं। CBSE के इतला के मुताबिक जारिया साल जुलाई और अगस्त में सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी अहलियती टेस्ट मुनाक़द किया जाएगा। इस अहलियती इम्तिहान के लिए दरख्वास्तों के दखाल का सिलसिला जारी है और दरख्वास्त दाखिल करने की 26 मई आखिरी तारीख मुकर्रर की गई। जारिया साल तेलंगाना में जुमला 6 इम्तिहानी मराकज में से 2 को बर्खास्त कर देने का फैसला किया गया। नलगुंडा और करीमनगर मराकज को बर्खास्त कर दिया गया। सिर्फ हैदराबाद, वरंगल, खम्मम और महबूब नगर इम्तिहानी मराकज पर ही अहलियती टेस्ट मुनाक़द किया जाएगा। 2 इम्तिहानी मराकज को बर्खास्त करने के फैसले को DED BED एसोसिएशन के सदर R. राम मोहन रेड्डी ने नामुनासिब करार दिया। जंतर मंतर पर मुजाहरा कर रहे पहलवानों से मुलाकात के लिए पहुंचे वजीर आला केजरीवाल। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पहुंच गए। उन्होंने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुजाहरा कर रहे पहलवानों की हिमायत में आवाज बुलंद की और कहा कि इंसाफ की लड़ाई में वो उनके साथ खड़े हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मुल्क की पहलवान बहनों के साथ गलत सलूक हुआ है और इसके कसूरवार को सख्त सजा मिलनी चाहिए।
आबकारी पॉलिसी घोटाला मामले में दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर-आला मनीष सिसोदिया को ना तो सीबीआई वाले केस में राहत मिल रही और ना ही ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट वाले केस में सुकून मुयसर है। मुबैना आबकारी घोटाला मामले में अदालती हिरासत खत्म होने पर ईडी ने आज सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने उनकी हिरासत को 8 मई तक के लिए बढ़ा दिया। आज अदालत में ईडी के वकील ने जानकारी दी कि मनीष सिसोदिया को 9 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और फिर 10 मार्च को उन्हें रिमांड पर लिया गया। उस वक्त से ही वो जेल में है और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तहकीकात जारी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के बाद जब मनीष सिसोदिया निकल रहे थे तो उन्होंने वजीर आजम मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। सिसोदिया ने कहा कि मोदी जी जितनी साजिश कर लें, लेकिन दिल्ली में वजीर आला अरविंद केजरीवाल की हुकूमत ही रहेगी। और इसके मौके पर उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल के काम को रोक नहीं पाएंगे। वाजरे के से कबल राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई की तरफ से जांच की जा रही आबकारी पॉलिसी मामले में मनीष सिसोदिया की अदालती हिरासत जुमेरात को 12 मई तक बढ़ा दी थी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।